हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे सामने है KTM Duke जो 200 सीसी में है, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बने रहें और आइए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आज ओनर ट्राई भी बताने वाले हैं आपको। तो फ्रेंड्स, सामने से स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसका फ्रंट टायर साइज की अगर हम बात करें, 110/70-17 का फ्रंट टायर दिया गया है। और डिस्क की अगर हम बात करें, 300 mm का डिस्क दिया गया है। और फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करें, WP USD 43 mm का सस्पेंशन दिया गया, जो काफ़ी बेहतरीन है। और फ्रंट में जो लाइट दिया गया वो हैलोजन बल्ब में ही आएगा, बाकी इंडिकेटर की बात करें तो LED में मिलेगा आपको। और इसका जो लाइट जो दिया गया है DRL, वो आपको LED मिलेगा, बाकी जो लाइट जो दिया गया वो बल्ब में ही मिलेगा। इंडिकेटर इसमें बेहतरीन सिस्टम दिया गया है कि इंडिकेटर आपको LED बल्ब में ही मिलेगा, जो काफ़ी बेहतरीन फंक्शन है। और मुझे काफ़ी पर्सनली अगर देखा जाए तो इंडिकेटर मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, जलने के बाद हैलोजन में इसका जो लाइट कैसे जलता है। फ्रेंड्स, फाइनली इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक इसका 13.5 लीटर का दिया गया है। और माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज 35 किलोमीटर आपको लगभग मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसके रियर की बात कर लें तो इसका रियर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी गार्ड दिया गया है और फुटरेस वगैरह दिया गया है यहाँ पर। और रियर फुटरेस एडजस्टेबल दिया गया है। सामने देख सकते हैं सिंगल स्टैंड दिया गया है, जिसमें कटअप सेंसर लगाया गया है। और फ्रेंड, इसके अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसका गियर बॉक्स 6-speed गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और सामने इसका इंजन है। इंजन अगर सीसी की अगर हम बात करें तो 199.5 cc का इसका इंजन दिया गया है, जो बेहतरीन इंजन है। इंजन सीसी की अगर बात करें टाइप में, तो सिंगल सिलेंडर 4 valve लिक्विड कूलिंग FIOHC इंजन टाइप में आता है ये बाइक। और मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें, 25.83 PS पे 10,000 RPM इसका मैक्सिमम पावर निकलता है। मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम बात करें तो 19.5 Nm का टॉर्क 8,000 RPM में निकालता है, बहुत बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बिना देर के इसके मीटर कंसोल की बात कर लें। मीटर सारे LED में कर दिए गए हैं, बाकी मैं इसका वीडियो अलग से चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। बाकी इसमें ABS की बैजिंग और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और इसमें डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। और इसमें इंजन वार्निंग, फ्यूल, ट्रिप ए ट्रिप बी के बारे में इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके राइट साइड की बात कर लें। राइट साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट के बटन और ऊपर सेल्फ कटआउट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिया गया है पासिंग लाइट, और उसके बाद यहाँ पे हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर दिया गया है, और स्विच के हॉर्न भी दिए गए नीचे में। फ्रेंड्स, एक कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपको सारी जो कंट्रोल्स दिए गए सब पे लाइट लगा हुआ है, और रात में आपको काफ़ी हेल्प करेगा देखने में। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देर के हम इसके रियर टायर साइज की बात कर लें। तो इसका जो रियर टायर है, 150/60-17 in का रियर टायर दिया गया है। दोनों ही टायर ट्यूबलेस में दिया गया है। और रियर डिस्क की बात करें तो 230 mm का रियर डिस्क दिया गया, जो काफ़ी बेहतरीन है। और रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो WP मोनोशॉक रियर सस्पेंशन दिया गया है। और इसके सीट हाइट की बात करें तो 810 mm का सीट हाइट दिया गया। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। और व्हीलबेस की बात करें, 1367 mm का व्हीलबेस दिया गया। ड्राइव वेट की अगर बात करें तो 150 kg का ये बाइक है, काफ़ी बेहतरीन है। और इसके ऑनरोड प्राइस की अगर हम बात करें तो हाजीपुर में इसका ऑनरोड प्राइस है 2,20,324 रुपये। फ्रेंड्स, आप यहां इस विजिट कर सकते हैं और यहां से बाइक परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।